हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलिन्स, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स के, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में। एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस। एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली। म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेव ने। प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स। डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8000 वर्ड्स जो 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलिन। को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मार्फाई इन ए मोस्टली साइलेंट रोल।
It is currently one of the small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटन किया है स्टीव कॉलिन्स, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में। एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस। एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली। म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने। प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स। डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8000 वर्ड्स जो 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलिन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन March 9, 2012, 4 years after it was filmed. Critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of the small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेग ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेग ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकैट
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकोल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो please हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गोलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 March 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन 9 March 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of the small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकैट
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ही स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टमाटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो प्लीज़ हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 March 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन 9 March 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पेंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मार्फाई इन ए मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन रिव्यू एग्रीगेटर्स रॉटन टमाटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मार्फाई लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपियर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रुथ टू गेट देम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई फ्रेंड्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ही स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टमाटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो please हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेग ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेग ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकैट
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करंटली वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकोल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो प्लीज़ हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 March 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन 9 March 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पेंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो please हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8,000 वर्ड्स है ये. 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म. डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012. 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscast
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ही स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टमाटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो please हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 March 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन 9 March 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पेंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकैट
acting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटन किया है स्टीव कॉलिंस, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में। एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस। एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली। म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने। प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स। डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8000 वर्ड्स जो 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन March 9, 2012, 4 years after it was filmed. Critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Kaise hain aap sab log? I hope aap sab acche honge. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो please हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8,000 वर्ड्स है जो 2012. अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म. डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012. 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscast
acting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटन किया है स्टीव कॉलिंस, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में। एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस। एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली। म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेव ने। प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स। डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8000 वर्ड्स जो 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन March 9, 2012, 4 years after it was filmed. Critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकैट
acting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटन किया है स्टीव कॉलिंस, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में। एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस। एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली। म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने। प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स। डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8000 वर्ड्स जो 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन March 9, 2012, 4 years after it was filmed. Critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins, and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals, and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinha, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Kaise hain aap sab log? I hope aap sab acche honge. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मार्फाई इन ए मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन रिव्यू एग्रीगेटर्स रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मार्फाई लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपियर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रुथ टू गेट देम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई फ्रेंड्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टेव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकोल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो प्लीज़ हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गोलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 March 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन 9 March 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पेंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मार्फाई इन ए मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन रिव्यू एग्रीगेटर्स रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मार्फाई लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपियर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रुथ टू गेट देम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई। फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है जो 2012। अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकोल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो प्लीज़ हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of the small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलन प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मार्फाई इन ए मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन रिव्यू एग्रीगेटर्स रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एज ऑफ 2023। इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मार्फाई लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपियर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रुथ टू गेट देम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नेम है 8,000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई फ्रेंड्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टीव कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैन द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग
एडी मर्फी इन द मोस्टली साइलेंट रोल। इट इज करेंटली वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म विद ए 0% रेटिंग ऑन द व्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज। इट वॉज ऑल्सो ए बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। एज ऑफ 2023 इट इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबिन्स एंड इट वॉज मर्फी लास्ट फिल्म फोर ईयर्स अंटिल ही अपीयर इन द 2016 इंडिपेंडेंट फिल्म मिस्टर चर्च। लिटरेरी एजेंट जैक एम्सकॉल यूजेज हिज गिफ्ट ऑफ गैब टू गेट वेरियस बुक डील्स एंड हिज नॉट अफ्रेड टू स्ट्रेच द ट्रूथ टू गेट दैम। While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. Friends, अगर आपको हमारी movie का review पसंद आए तो प्लीज़ हमारे channel को subscribe करें, like करें. हमारा Instagram page है, आप वहाँ visit कर सकते हैं. Link description box में दिया हुआ है. तो friends, आज हम आपके पास एक Hollywood movie का review लेकर आए. काफ़ी interesting movie है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन रॉबिन्स ने, रिटर्न किया है स्टेफ कॉलन, प्रोड्यूस किया है मूवी को एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में. एडी मर्फी, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने. सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस. एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली. म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने. प्रोडक्शन कंपनी दी है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म्स, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिडनाइट फिल्म्स. डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स. डेट रही है फ्रेंड्स मूवी की 9 मार्च 2012. रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश. 8000 वर्ड्स इज 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स, फ्रॉम ए स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मर्फी. इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012. 4 ईयर्स आफ्टर इट वॉज फिल्म्ड, क्रिटिक्स पैंड द फिल्म एज फॉर्मुलिक एंड आउटडेटेड एंड फॉर मिसकास्टिंग एडी मर्फी इन ए मोस्टली साइलेंट रोल. It is currently one of the small number of films with a 0% rating on the view aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. As of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Mulfi's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and is not afraid to stretch the truth to get them. While he is trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आए. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. मूवी का नेम है 8000 वर्ड्स. ये मूवी 2012 में रिलीज हुई. फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया है
ब्रायन रॉबिन्स ने रिटर्न किया है, स्टेफ कॉलिंस प्रोड्यूस किया है मूवी को, एलन चैबर्ट, स्टेफिन डैनन, निकोल्स केज, नॉर्मन गॉलिक्टी, ब्रायन रॉबिन्स, सेला समटर, ब्राइट स्टार्स रहे हैं फ्रेंड्स मूवी में, एडी मार्फाई, कैरी वॉशिंगटन, क्लिफ कर्टिस, क्लेक ड्यूक, एलिशन जेने। सिनेमाटोग्राफी दी है फ्रेंड्स मूवी में क्लर्क मैथिस, एडिट किया है फ्रेंड्स मूवी को नैड बेस्टली, म्यूजिक दिया है फ्रेंड्स मूवी में जॉन डेब ने, प्रोडक्शन कंपनी रही है फ्रेंड्स मूवी की ड्रीम वर्क पिक्चर्स, सैटर्न फिल्म, वेल सिटी पिक्चर्स, वर्क आफ्टर मिड नाइट फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रेंड्स मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स लिमिटेड रही है फ्रेंड्स मूवी की मार्च 9, 2012। रनिंग टाइम रहा फ्रेंड्स मूवी का 91 मिनट्स। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज रही है फ्रेंड्स मूवी की इंग्लिश। 8,000 वर्ड्स है ये। 2012 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म। डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायन रॉबिन्स फ्रॉम, स्क्रिप्ट बाय स्टीव कॉलन, को प्रोड्यूस्ड बाय निकोल्स केज एंड स्टीरिंग एडी मार्फाई। इट वॉज रिलीज इन थिएटर्स ऑन मार्च 9, 2012। 4 years after it was filmed, critics panned the film as formulaic and outdated and for miscasting Eddie Murphy in a mostly silent role. It is currently one of a small number of films with a 0% rating on review aggregator Rotten Tomatoes. It was also a box office bomb. Age of 2023, it is the last film directed by Robbins and it was Murphy's last film for 4 years until he appeared in the 2016 independent film Mr. Church. Literary agent Jack McCall uses his gift of gab to get various book deals and he's not afraid to stretch the truth to get them. While he's trying to get a deal from New Age self-help guru Dr. Sinja, he sees through Jack's ticket but agrees to the deal.